दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में डूबकर तीन छात्रों की मौत के बाद छात्रों का हंगामा बवाल जारी है। हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ बयान दे रहा है। कुछ सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कोई प्रशासन को। कई तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी घूम रहे हैं। इस सभी सवालों के बीच में एक सवाल ऐसा भी है जिसको लेकर ज़्यादातर यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फेमस टीचर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, अलक पांडे, अवध ओझा जैसे शिक्षक इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखें। छात्रों की मौत के बाद छात्र सड़कों पर हैं और उनका सवाल है कि आखिरकार वे शिक्षक अब कहाँ हैं जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। वे इस मुद्दे पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। छात्रों के इस सवाल पहले ये सुनिए कि उन्होंने क्या अवध ओझा जैसे छात्र टीचर से पूछा है। जो बड़े बड़े टीचर्स हैं और ये बच्चों को एक तरीके से मार्गदर्शन करने की बात करते हैं, लेकिन जब रियल टाइम में बच्चों का साथ देने की, सपोर्ट करने की, उनके साथ खड़ा होने की, उनको मार्गदर्शन सही मायने में देने की ज़रूरत है वहाँ नहीं करेंगे। और खुद मतलब अपना जब इतने बड़े कॉन्ग्लोमेरेट है वो, मतलब एक तरीके से कोचिंग के बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, तो वो अपने साथ वालों को और सब मिल के एक मतलब गाइडलाइंस फॉलो करने का, ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते क्या? पिछले साल जून में जब संस्कृति आईएएस में इंसिडेंट हुआ था और बच्चे कूद कूद के बचे थे, वहाँ से जान बचाई थी, उस समय भी मतलब था, लेकिन ठीक है उस समय कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ तो कैजुअलिटी हो गई। पिछले एक साल में इन्होंने कुछ नहीं सीखा। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के चलते वहाँ इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और प्रदर्शनकारी मृतकों के लिए न्याय की मांग करते हुए राव आईएएस स्टडी सर्किल के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इसी सब के बीच में यूट्यूब चैनल, फीस लेने वाले और नामी कोचिंग सेंटरों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आड़े हाथ में टीचरों को लिया जा रहा है। स्टूडेंट गुस्सा करते कह रहे हैं कि विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा सर कहाँ हैं। मौजूदा समय में स्टूडेंट के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि ऐसे टीचरों और कोचिंग मालिकों का सिर्फ स्टूडेंट से बिजनेस चलता है, बाकी कुछ भी नहीं। ये स्वीट पॉइजन की तरह बच्चों को अपना मोटिवेशन ज्ञान देते हैं। अवध ओझा जैसे नामी टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं और प्रदर्शनकारी छात्र ये भी दावा करते हैं कि वे सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी झाड़ते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। यहाँ तक कि छात्रों का ये भी आरोप है कि 600 छात्रों को एक क्लास में बैठाकर क्लास लिया जाता है। कुछ यूजर्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि अलक पांडे इज मिसिंग, खान सर इज मिसिंग, विकास दिव्यकृति इज मिसिंग, अवध ओझा इज मिसिंग एटसेट्रा, वो इसके अलावा बोल रहे हैं कि एवरी ब्लडी यूपीएससी मेंटर इज मिसिंग, बच्चों के हक के लिए लड़ेंगे और कुछ भी नहीं आगे बोलेंगे। ये सारे यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। कई सारे ट्वीट हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और लोग सवाल पूछ रहे हैं फेमस टीचर गायब कहाँ हैं इस पर। हालांकि इस सब के बीच में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे से पूरे देश को हिलाकर भी रख दिया है। अब कोचिंग व्यवस्था को लेकर इन कोचिंग सेंटर चलाने वालों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। माफिया का भी जिक्र हो रहा है, कोचिंग माफिया का। लेकिन सभी के पास, यहां तक कि देखें तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि यह हादसा कैसे हुआ। इस सब के बीच में एक आईएएस अधिकारी हैं, 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर अविनेश शरण, जो अभी छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी भी हैं। उन्होंने एक कोचिंग संस्थान के मालिक की ओर से बात करते हुए उन्होंने लिखा कि किस तरह वो अपना पैकेज बेचने के लिए शख्स को गुमराह करते हैं, निराश करते हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे याद है कि प्रीलिम्स की परीक्षा देने के बाद मेंस परीक्षा के लिए मैं दिल्ली पहुंचा और मुखर्जी नगर में एक बड़े कोचिंग संस्थान के कर्ता धर्ता से जब मेंस परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए पूछा तो उन्होंने, मैंने बोला कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में मैंने बताया तो वे बोले कि इससे तुम्हारा आने वाले दिन में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको हमारे फुल पैकेज लेने पड़ेंगे और उसके बाद आप फाइनल निकाल सकते हो। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि स्टूडेंट इससे डिमोटिवेट होते हैं और इसी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको ट्वीट भी किया। राव आईएएस कोचिंग बेसमेंट में तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई और इससे ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। प्रशासन ने जूनियर इंजीनियर को फिलहाल अभी बर्खास्त कर दिया है और असिस्टेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया। अब तक इस पूरे मामले को देखें तो कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब इस हादसे के बाद जनता से लेकर राजनीति से जुड़े लोग कोचिंग सेंटर मालिक और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मामले में फेमस दिव्यकीर्ति की खामोशी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये सारे टीचर्स क्यों नहीं बोल रहे। विकास दिव्यकीर्ति कौन है ये भी समझ लीजिए। 1996 में पहले प्रयास में
यूपीएससी क्रैक करने वाले विकास द्विवेकृति ने साल भर से सेंट्रल सेक्रेटरी में नौकरी की और उसके बाद छोड़ दी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के गाइड करते हैं और रास्ता दिखाते हैं, हम टीचर्स भी हैं, पढ़ाते भी हैं। 1999 में उन्होंने दृष्टि आईएएस नाम से शुरुआत की थी कोचिंग सेंटर, जो अभी चल रही है। एक एजुकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पॉपुलर टीचर्स भी माने जाते हैं। अपने खूबसूरत अंदाज से स्टूडेंट्स के बीच में अपनी बातों को रखते हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं। यहीं अगर दूसरी तरफ अवध ओझा की बात करें तो ये भी मशहूर शिक्षक हैं और इनके बारे में भी काफ़ी चर्चा होती है क्योंकि इनका मोटिवेशनल स्पीच भी वायरल है। इनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, एक मशहूर शिक्षक, एंटरप्रेन्योर, काउंसलर, यूट्यूबर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इस वजह से ये भी काफ़ी चर्चा में। इसी वजह से इनके साथ साथ खान सर, अलक पांडे, अवध ओझा के अलावा विकास द्विवेकृति सभी टीचरों की चुप्पी पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।